गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शिखा हैप्पी लाइफ। और मैं शिखा हमारे चैनल में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत हेल्दी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह, अभी बज चुका है 9 बजने वाला, 9 बजा नहीं है आज। आज मैं थोड़ा सा लेट सो उठी हूँ, 8 बजे सो उठी हूँ, इसलिए कि रात को मेरे को सोने में काफ़ी टाइम हो गया था, 1 बज गया था सुबह सुबह, तो इसलिए आज लेट सो के उठी। तो सब कुछ आवाज़ भी ऐसा आ रहा है कि कुछ ऐसी नहीं, ऐसा लग रहा है मतलब जिस दिन लेट सो के उठी ना उस दिन पूरी एनर्जी खत्म जाती है। और कल रात में एक्चुअली ये हुआ ना कि दो जिसमें 3 पपीज बचे थे उसमें 2 पपीज के बाद तबियत, एक का तो 3:40 से खाना खा ही लिया था, एक का भी कल सुबह से तबियत खराब था। तो कल रात में हम लोग 8 बजे 8:30 बजे के आसपास लेके गए थे हॉस्पिटल, वहाँ से हम लोग 11 बजे आए हैं। तो एक दोनों को सलाइन चढ़ा था और एक कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल है और एक तो बोल रहे कि भी दोनों टाइम लेके आओ, तो कल इसके वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया था और उनको बहुत बुरा लग रहा है यार। और एक तो अभी ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे कि तीनों को ना अलग अलग रखने के लिए। तो हम लोग रात में क्या किया, जिसका दो तबियत खराब थी उसको अंदर रखे जो सही था, वो कम से कम बाहर रखे क्योंकि कहीं और जगह है ही नहीं कहाँ रखे। और रात में उधर बांध के नहीं रखे क्योंकि गाड़ी में बहुत सारा घास वगैरह है बहुत सारा। तो वही सोची तो सबसे उठी तो देखने के लिए आई थी, तो दोनों बच्चे अभी वहाँ सोए हैं और एक बच्चा बाहर में जो सही है वो बाहर में है और जिसका तबीयत ख़राब है ना, दोनों यहीं पे लेटे दिखाती है अपने को। मतलब रात में ऐसे हो गए कि उसको लेके गए थे ना हॉस्पिटल से लेके गए, वैसे उसको ना वॉमिटिंग भी हो गया और ना मैं क्या बोलूँ मतलब लूज मोशन, वो भी ब्लीडिंग का, बहुत बुरा हाल रहा है यार सच्ची बता रही हूँ। कोने में जा कर बैठे, बाहर भी नहीं आ रहे इन लोग। ओ बच्चा बेटो, कहाँ कोने में घुस के बैठे भाई, आ बाहर आओ। इसी का हालत खराब है, थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है। और उसका तो बोले कि अभी डेली दोनों टाइम लेके आना, अभी कुछ दिन तक के ठीक हो जाएगा। इसके लिए बहुत वो लग रहा है यार, सही था ये, कल ही से इसका तबीयत खराब हो गया है बेचारा। आई विश बस प्रे करो यार आप लोग की टर्म ठीक हो जाए प्लीज़। आप सब कोई जो भी देख रहे हैं ना, इनके लिए प्रे करना यार कि ठीक हो जाए। आई नो कि ठीक हो जाएंगे, मुझे पता है कि ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन चल रहा है, कल इंजेक्शन भी लगाए थे, सलाइन बॉटम भी जोड़ा था। ओह शिट यार, मुझे लग रहा है कि दिख भी नहीं गाड़ी की वजह से। देखो यार दोनों बच्चे उसको फिर वोमिट, मेरे को लग रहा है कि ना उसका वोमिटिंग पोटी भी किया था, उसमें ब्लीडिंग ही हो रहा लग रहा है मेरे को अभी भी। एक मिनट है, लोग बाहर निकालते कोशिश करते बाहर निकालने की। ए कार में बैठा है, कार में पकड़ लो बेटा, कार में पकड़ लो, यहाँ ऊपर बैठा है कार में। हेलो हाय 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 हाय, अभी टाइम हो चुका है 4:03 बजने वाला, शायद 1 सेकंड बताते हैं। ओ भाई को 5:30 बज चुका है और थोड़ा सा ऐसी रटी थी, 5 मिनट नींद भी लग गया था। और बस सारा काम ख़त्म करके एक्चुअली आज बताई थी ना सुबह जो बता रही थी, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ क्योंकि
जिस पपी को खराब था कल रात को दोनों को हॉस्पिटल लेके गए थे, तो उसमें एक तो सुबह दिखाए थे ना जिनको कि गाड़ी के बाजू में बैठा था वो बैठा ही बेचारा वहीं पे था, नहीं रहा वो। तो उसके बाद फिर एक और था, उसको लेके गए थे हॉस्पिटल, उसको सलाइन चढ़ा, एक घंटा वहाँ रुके थे उसके साथ। फिर उसके बाद आए तो वैक्सीन लगा नहीं था इन लोगों को, हम लोग भी लगा कि ठीक है लगाने की जरूरत नहीं पड़े। फिर डॉक्टर से कंसल्ट के डॉक्टर होते कि वैक्सीन लगा लो, तो फिर एक घंटा उसको बॉटल चढ़ा था। उसके बाद वहाँ से आए हैं, एक घंटा वेट किए, उसके बाद फिर आके एक है ना ये बच्चा है जो एक है ठीक, उसको वैक्सीनेशन के लिए ले गए थे भाई और मैं दोनों गए थे। इसको आज वैक्सीन लगाया और एक का तबीयत अभी ख़राब है ही, कल रात में भी लेके गए थे, कल रात में भी बॉटल चढ़ा था सवाई का, अभी भी बॉटल चढ़ा था। और अभी आई विश कि वो अलग अलग इसे रख रहे हैं कि डॉक्टर बोला था कि जो सही है ना इसका तबीयत ठीक है इसका, तो जो उनका तबीयत ठीक है वो बाकी इन डॉग से अलग रख देना करके, तो इसलिए एक को इधर रख रहे हैं, क्योंकि ये क्या उठ के चला जाता है उसके पास, और तब भी उठ भी नहीं पा रहा है ज़्यादा। खाना भी वहाँ से आने के बाद जब दूसरे पपी को लेके गए थे, उसका पूरा कर कुरा क्या है जो नहीं रहा, वहाँ से आते हम लोग को ढाई बज गया था वहाँ से आते। और सुबह से ना मैं कुछ खाई थी ना भाई कुछ नहीं खाया था, धूप बहुत तेज़ था, इसी धूप में हम लोग घूम गए थे। और वहाँ से आने के बाद फिर ये है कि थोड़ा सा दही चावल खाया था, तो उसको अपने हाथ से बैठ के अब इतना है कि उठ के खा भी नहीं पाया था, तो उसको फिर हाथ से दही चावल खिलाई, दीदी थोड़ा सा मैं खिलाई, तो खाया है, बस सोया है। तो बस आज का दिन ऐसे ही निकला, पता ही नहीं चला आज, और ज़्यादा रिकॉर्ड क्योंकि पकड़ना था मेरे को अपने हाथ में, तो मतलब करते नहीं बना कि संभालती कैसे उनको और रिकॉर्ड कैसे करती, तो रिकॉर्ड करते बना नहीं, और कंडीशन भी नहीं था यार रिकॉर्ड करने का, क्या रिकॉर्ड करते बेचारे का। मैं पांच बच्चे थे उसमें से तो एक उस समय चले गया, एक का तो पता भी नहीं चला, और एक आज चले गया, बस बच्चे दो हैं उसमें भी एक का तबीयत ख़राब है। आई नो कि वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोले हैं वैसे, बट मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, जल्दी से ठीक हो जाएगा, खेलने लगेगा। तो बस आज का दिन ऐसे ही निकला है, और बस भी तो वहाँ से आने पर ना खाए, नहाते तीन बज गया था, तीन बज गया था, तो उसके बाद फिर खाना ना खा के ऐसे लेते थे। तो 5-10 मिनट मेरा भी नींद लग गया था, अभी बीच में उठ के दो बार देखी थी उसको पपी को कि कैसा है, अभी ठीक है, अभी वही देखने के लिए ही बाहर आई थी कि ठीक है कि नहीं करके, ठीक है अभी सोया है, जल्दी रिकवर कर जाएगा मुझे पता है। और जो भी जहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप लोगों को ब्लेसिंग चाहिए, प्रे करना कि वो ठीक हो जाए, है ना, आप सब प्रे करेंगे मुझे पता है। और ये है मेरा टुकटुक बच्चा, और इसको सुबह से गोदी भी नहीं ली थी, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले चेक करने उसी को आई थी ना, और उसके बाद फिर जो हुआ उसके बाद फिर मेरा भी कुछ भी करने का हिम्मत नहीं रहा, कुछ भी नहीं, बट करना पड़ा। खैर अभी तो मैं ठीक हूँ, और प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेती हूँ। बस दो दिन से कल फिर बस उधर ही हॉस्टल थी, कल रात को भी आते आते हम लोग 11 बज गए थे, दोनों को ले गए थे, कल भी दोनों को सलाइन चढ़ा था, और डॉक्टर एक का बोला था कि ये तो श्योर है कि ठीक हो जाएगा, जिसके लिए बोला था कि 100% श्योर ठीक हो जाएगा वो तो नहीं रहा, और इसको बोला था कि चांस रेयर है, तो जिसका चांस रेयर से वो रह गया है, बस वो रह जाए, वो ठीक हो जाए बस, बाकी सब यही रही चल रहा है।
बिल्कुल अपने बॉडी के तो हिला ही नहीं पा रहा, बिल्कुल इधर उधर मूव नहीं कर पा रहा। उठा के बस इधर अलग इसलिए रखी हूँ क्योंकि उससे बचाना है, दोनों को अलग अलग रखना है, इसलिए इसको यहाँ पे रखी हूँ। और घर आई हूँ, इसकी जल्दी ठीक हो जाए। दही चावल खिलाएंगे, दोपहर में भी दही चावल खाया था, अभी भी दही चावल खा रहा है। We'll be right back.